पूरे मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीयन वर्ष 2019 और 20 के मुताबिक ही 2020 और 21 में लागू होगा। काफ़ी समय से यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए इस बार 2020 और 21 की गाइडलाइन को लागू नहीं किया है। वर्ष 2019 और 20 की जो गाइडलाइन थी उसी मुताबिक अब इंदौर में प्रॉपर्टी बेची और खरीदी जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस प्रकार का फैसला लिया और लोगों को राहत देने की राह पर चले, उसी के साथ हम आपको बता दें कि इंदौर मात्र एक ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में जिला है जिसने वर्ष 2020 में सबसे अधिक आय अर्जित की थी संपत्ति विभाग में। लगातार संपत्ति विभाग यह कोशिश करता आ रहा है कि इंदौर ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करके प्रदेश सरकार के खजाने को भरे, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी है और जो पुरानी गाइडलाइन के आधार पर ही इंदौर में अब संपत्ति बेची और खरीदी जाएगी। इंदौर में जो अन्य बड़ी कॉलोनियाँ हैं जो अभी फ़िलहाल में नगर निगम सीमा में नहीं है, उन कॉलोनियों में जिसमें गाइडलाइन लागू नहीं हुई है उस गाइडलाइन को फिर से नए सिरे से लागू करने का फैसला तो लिया गया है, लेकिन जो पुरानी कॉलोनियां हैं, जो पुराने क्षेत्र हैं, जो संपत्ति जो इसमें पंजीयन विभाग में आते हैं संपत्ति के, वहां पर इस गाइडलाइन को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन नई जो जगह है, नई कॉलोनियाँ हैं, जो नई ज़मीनें हैं, वहाँ पर नए सिरे से गाइडलाइन लागू करके वहाँ के जो है रेट तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है लोगों को राहत देने की और इसी के साथ लोगों का यह भी कहना है कि जो आने वाले चुनाव हैं उन चुनाव की तैयारियां भी यहां पर प्रदेश सरकार करती नज़र आई है। लोगों को राहत देने के ये जिस प्रकार से लोगों को राहत दे रही है सरकार, ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव की तैयारी भी सरकार लगातार कर रही है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।